झुक क्यों रही हो? तुम्हें झुकना मना है ना? पता है शेखर, पर मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारे तो पैरों में सूजन है? ये चप्पल कितने टाइट हो गए? मैं एक और नहीं ला दूंगा। क्या हुआ थारे पैरों को? अरे इतनी सूजन का है? वो कुछ नहीं मां, थोड़ी सी चोट लग गई। माँ पानी मैं ले आता हूँ। माँ आप कमरे में जाओ। तू बैठ। चाबी का गुच्छा गिर जाएगा, ठीक से लगा ले। हाँ मारे को लग रहा था कि कुछ तो अलग अलग है थारे में, अब मारे समझ में आया। सारी कपड़ लू, देखना कुछ अलग ढंग से लिया हुआ है तूने पल्ला। हाँ माँ, तभी मैं सोचूं। पार्वती जी कोई घर पे है? माँ कोई बुला रहा है। मैं आती हूँ। बाहर तुम्हारे लिए पानी लेकर आ जाना शेखर। हमें जल्द से जल्द बनारस जाना होगा, अब और रिस्क नहीं ले सकते। हाँ मिष्टी, एक बार बच्चा बस सही सलामत रागिनी के पास पहुंच जाए, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। अब हमें बनारस जाने के लिए कोई बहाना तो ढूंढना पड़ेगा ना। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बोलिए। हमने तुम्हारी अपॉइंटमेंट डॉक्टर गुलाटी के साथ फिक्स कर दी है। ये कोलकाता की बहुत ही फेमस लेडी डॉक्टर है, और अभी कुछ ही देर में इनके ऑफिस से तुम्हारी अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए घर पे एक कॉल आएगा, ताकि मम्मी तुम्हें इनके पास चेकअप के लिए लेके जा सके। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या क्या हुआ रागिनी, डर गई? तो फिर हमारा फोन काटना बंद करो, और हम जैसा कह रहे वैसा ही करो, नहीं तो हम सच में तुम्हारा चेकअप उस डॉक्टर से करवा देंगे, और फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो। उसके बाद तुम और तुम्हारी माँ की क्या हालत होगी ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। देखिए भाभी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हम तो क्या
तो फिर ठीक है। अगर तुम चाहती हो कि हम हमारा मुंह बंद ही रखे तो तुम और तुम्हारी वो चालाक बहन वही करोगी जो हम चाहते हैं। तुम दोनों हमें उस घर में वापस लेकर आओगी और ध्यान रहे, आदर्श के दिमाग में तलाक की बात आनी भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कल स्वरा से तुम हमें मिलाओ। लेकिन भाभी कल देखो रागिनी, तुम ये समझ लो जितना जल्दी तुम हमारा काम करोगी उतना ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हमारा सबर का बांध टूट गया ना तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए कल हमें स्वरा से मिलवाओ, समझी? रागिनी, क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी परेशान क्यों? लक्ष्य, भाभी का फोन आया था, वो कल हमसे और स्वरा से मिलना चाहती है। रागिनी तुम परेशान मत हो, उन्हें बोलो कल मंदिर में आके मिले। पर रागिनी अभी हमें नीचे चलना होगा, पापा सबको बुला रहे हैं, घर में इंस्पेक्टर है, सब मिलकर साहिल को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद हम स्वरा को बता देंगे और फिर कल उसे भाभी से मिलवाने के लिए लेके जाएंगे। आप जाइए, हम आते हैं। ये जो हॉल है, इस हॉल में जितने डेकोरेटर्स, वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो सारे हमारे आदमी होंगे। आप सभी लोग यहाँ पर होंगे इस कमरे में। इंस्पेक्टर साहब, आपका प्लान देखने सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन आपको यकीन है कि कल हम साहिल को पकड़ पाएंगे? जी बिल्कुल, कल साहिल सेन गुप्ता हमारी हिरासत में होगा। कल तुम्हारी हालत देखकर पागल हो गई थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत चिंता है स्वरा, लेकिन मुझे विश्वास है हम पर, हमारे प्यार पर। कुछ नहीं होगा स्वरा, वाकई कुछ नहीं होगा। चलो तुम दोनों अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हारे लिए रक्षा धागा लेकर आई। और एक बात याद रखना स्वरा, जब दो लोग सच्चे प्यार और विश्वास के बंधन में बंधे होते हैं ना, तो उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। खुश रहो। मिस्टर राम, ये ब्लूटूथ आप अपने पास रखिए। ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि साहिल को आप पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल उसका फोकस संस्कार और स्वरा पर होगा।
वैसे आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा बाकी स्टाफ भी सिविल ड्रेस में आपके आसपास रहेगा। आप देख सकते हैं ऊपर सौरभ जी, ये गन आप अपने पास रखिए। घबराने की बात नहीं है, खाली है लेकिन खुद को बचाने के लिए काफी है। लीजिए। जैसे ये सब खत्म हो जाए ना, हमें तुमसे कुछ जरूरी। स्वरा बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखिए, हम में से कोई भी पुलिस वालों से बात नहीं करेगा। साहिल को ये पता है कि हम यहाँ आने वाले हैं, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि पुलिस वाले भी यहाँ होंगे। अगर उसे जरा सी भी भनक पड़ती है तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। मैं सुबह से साहिल को फोन करने की कोशिश कर रही हूँ पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। उम्मीद करती हूँ वो आएगा। माया जी, चलिए पार्टी का समय हो गया है, साहिल जरूर आएगा। मुझे पूरा यकीन है वो अपने पापा के जन्मदिन की पूजा कभी नहीं छोड़ेगा। मैं यहीं से उस पर नजर रखता हूँ। सुन, मैं यहाँ पर बड़ों के साथ रुकता हूँ, ठीक है? ध्यान रखो। एक ही वक्त पर बहुत सारी चीजें हो रही। भाभी, साहिल एक ही समय पर बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स रागिनी, सब ठीक हो जाएगा। Excuse me, आपका पर्स। Oh,
रागिनी संभाल के। ये आपका पर्स भाप, वह बहन जी। आराम से। हम ठीक है। पूरे परिवार के सामने तो हम स्वरा को कुछ नहीं बता सकते, हमें उसे छुपके से अलग ले जाकर बात करनी होगी। स्वरा को लेकर अभी किचन में आओ, हमें उससे मिलना है। साहिल कहाँ रह गया? आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि वो आरती के लिए नहीं आया। लक्ष्य, कुछ दिखा? किसी पर कोई शक? नहीं यार, अभी तक कोई आया नहीं। कहाँ है साहिल? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। ठीक है, आरती शुरू कर देते, साहिल बाद में आएगा। शायद साहिल नहीं आएगा आज। उसे कैसे नहीं आया साहिल? मैंने खुद उसे फोन किया था। इतनी आसानी से मुझे कोई नहीं पकड़ सकता माँ। मेरा नाम साहिल है, समंदर भी मुझे नहीं खींच सकता। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा पानी पीने के लिए रसोई जाना है, तो तुम भी चलो ना हमारे साथ। क्या हुआ रागिनी, तुम ठीक हो? कोई दिक्कत हो रही है क्या? धुएं की वजह से थोड़ी खांसी हो रही है, तो तुम चलो मेरे साथ। स्वरा, हमारी बात सुनो। स्वरा, हमें तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। कौन है वहां पर? क्या स्वरा, रुको, हम जाकर देखते हैं। पर रागिनी, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है। हम बिल्कुल ठीक है, तुम यहीं रुको। तुम पुलिस को फोन मत करना, हम जाकर देख रहे हैं, ठीक है? भाभी, आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए, ये सही वक्त नहीं है। रागिनी, तुम ठीक हो? हम आपसे कह रहे हैं ना, जैसे ये साहिल का मैटर खत्म हो जाता है, हम आपको स्वरा से मिलवाएंगे।
आई प्रॉमिस यू प्लीज, पर इस वक्त आप यहाँ से चली जाइए। जी को यहां बांध कर रखा है तो बाहर आरती कौन कर रहा है? क्या वो साहिल है? चल लकी, रागिनी का ध्यान रख।